उज्जैन स्थित नागजीरी इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार शाम तकरीबन 6 बजे बिंदल पोहे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 20 मजदूर काम कर रहे थे। अग्निकांड में 3 महिलाओं की झुलसकर मौत हो गई, जबकि एक महिला की गंभीर रूप से झुलसने की खबर है। माना जा रहा है कि इस अग्निकांड की वजह शॉर्ट सर्किट है। एक चिंगारी से भड़की आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की करीब 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पोहा फैक्ट्री में आग लगने से मजदूरों की मौत होने की जानकारी लगते ही कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र शुक्ला तुरंत घटना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम का जायजा लेते हुए निर्देशित भी किया। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि इस आगजननी की घटना में 3 महिला मजदूरों की मौत हुई है। बताया जाता है कि आगजननी के दौरान मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकलने की बजाय आग से बच रहे थे। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। कितने लोग घायल हैं और कितने मौत हुई? एक पोहा फैक्ट्री में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और आग की घटना थी, तुरंत ही एम्बुलेंस भेजी गई। अभी आग पे काबू तो पा लिया गया है और लाइट को हम लोगों को डिस्कनेक्ट करना पड़ा, इसीलिए अभी डैगन लाइट्स और दूसरे माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक की जो स्थिति है उसमें 3 डेड बॉडीज़ हमको मिली हैं, 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 1 व्यक्ति घायल है जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। और जो बाकी चीज़ें हैं कि किन परिस्थितियों में ये चीज़ हुई, किसकी क्या गलती थी, इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया, उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं और अभी की ये स्थिति है, अभी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी 5-10 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हम लोग शुरू करें। जो 3 लोग की मौत हुई है वो कौन महिला है, पुरुष क्या है? देखिए, अभी इसमें जो 4 लोग थे उनमें से 2 महिला और 2 पुरुष हैं, जो हमको प्राथमिक जानकारी मिली है। जैसा मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा जो पूरा फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। 3 डेड बॉडीज़ को रवाना किया जा चुका है, घायल को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोकस करने के बाद में बाकी चीज़ों पर जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।